हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है इलोकॉन मोमेडासोन फिरोटे क्रीम आईपी। आज मैं इस क्रीम का रिव्यू करूंगा। ये क्रीम जो है ये झाइयों के लिए आज मैं इस क्रीम का रिव्यू करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्रीम काफ़ी पतली हो गई है यूज़ करते करते। ऑब्वियसली मैं जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ खुद पहले अपने ऊपर यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू हम करेंगे। वीडियो आप देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा कि ये जो क्रीम है ये झाइयों के लिए यानी मेलाज़मा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं उसका सबसे पहले यूज़ करता हूं उस प्रोडक्ट को, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं। तो बहुत पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था झाइयों के लिए एक क्रीम जिसका नाम था डेपी वाइट, उसका मैंने रिव्यू किया था, उसके बारे में आप लोगों को बताया था। क्योंकि मुझे फेस पर थोड़ी सी झाइयाँ हो गई थी जो बहुत ही अनवांटेड थी और मुझे उसको साफ करना था, अपने फेस को क्लियर करना था। तो जो लोकल हमारे डॉक्टर हैं उनसे मैंने इस बात के लिए कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे जिस क्रीम को यूज़ करने के लिए दिया वो था डेपी वाइट क्रीम, और उसके मुझे असर भी अच्छे हुए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब भी ठंडियाँ आती हैं तो मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ये जो अभी ठंडी गई है, इस ठंड में मैंने देखा कि मेरे फेस पर फिर से झाइयाँ आ गई हैं। तो मैंने नाम सुना इलोकॉन क्रीम का, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप इस क्रीम को लीजिए ये असरदाई है झाइयों पे और ये काफ़ी तेज़ी से आपकी झाइयाँ ख़त्म करता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसका प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं। तो मैं गया, इस प्रोडक्ट को लिया मैंने मार्केट से। इसका प्राइस है, आपको दिखेगा यहाँ पर, 179 रुपीज़ की ट्यूब आती है। इसका अनबॉक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, बस रिव्यू दे रहा हूँ। अनबॉक्स में आपको पूरा दिखाता कैसे पैक्ड था ये, काफ़ी अच्छा इसका जो पैकेट था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। ये क्रीम आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये 10 ग्राम की क्रीम है, 10 ग्राम की। इसे बनाया फुल फोर्ड इंडिया लिमिटेड ने। तो अब आगे देखते हैं कि मैंने इस क्रीम को यूज़ किया कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं मोमेडासोन क्या होता है। ये जो मोमेडासोन है ये आपका होता है एक स्टेरॉइड होता है जो आपके जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी पे, यानी आपको कभी कभी एलर्जी होने से आपकी बॉडी पे रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है या फिर रैशेस आ जाते हैं, उनके लिए स्पेशली ये स्टेरॉइड यूज़ किया जाता है उनको कम करने के लिए। लेकिन झाइयों के लिए भी ये क्रीम बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। मैं तो जो मैंने इसके पहले रिव्यू दिया था डेपी वाइट का उससे भी अच्छी क्रीम इसको मानता हूँ और ये सच में काफ़ी इफेक्टिव है फेस पर। मैं आपको बता दूं कि जो ये क्रीम है ये कैसी है। इसका मैंने इसको यूज़ किया है और ये जो डेपी वाइट क्रीम थी उससे थोड़ी सी थिक लगी मुझे। ये क्रीम आपको थोड़ी सी थिक लगेगी, जो डेपी वाइट क्रीम थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, बट ये थोड़ा सा आपको इसमें थिकनेस आपको लगेगी जब आप अपने इसको फेस पर लगाएंगे। मैंने इसको कम से कम 20 से 25 दिन यूज़ किया है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मुझे रिज़ल्ट मिला है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मैंने देखा है इसको लगाने के बाद। जहाँ जहाँ पे मेरे इफ़ेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पर मैंने इसको लगाया है तो मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। बहुत तेज़ी से इसने झाइयाँ को कम किया और कम करते करते ख़त्म किया है। तो कैसे यूज़ करना है इस क्रीम को, आप अपने इफेक्टेड एरिया को पहले किसी अच्छे फेस वॉश से वॉश करके रात में सोने से पहले इसको जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर यूज़ करें। इस क्रीम को यूज़ करने के लिए बहुत आपको वहाँ पर जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं उसको ज़्यादा वहाँ पे थिकनेस ना रखें, क्रीम को पूरा फैला लें जहाँ भी इफेक्टेड एरिया है। उसके बाद आप उसको छोड़ दें, सुबह आप सुबह उठ के उसको धुल सकते हैं, पहले पानी के साथ उसके बाद फिर फेस वॉश के साथ। इसको यूज़ करने में 10 दिन के अंदर ही आपको असर दिखने लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने देखा था बहुत ही लोग आते थे इम्पेशेंस और बोलते थे यार मैंने यूज़ किया मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, बिलीव करिए, वो डेपी वाइट क्रीम थी वो थोड़ी सी मुझे भी
इम्प्रेसिव कम लगी, थोड़ी धीरे धीरे उसके रिजल्ट दिख रहे थे, लेकिन इलोकॉन को मैंने जब यूज़ किया है इसके रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी दिखे हैं। बहुत ही अनबिलीवेबल था मेरे लिए, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और इतना अच्छा ये क्रीम मुझे एक्सपीरियंस कराएगी मेरे झाइयों के लिए। अब इसको कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। सपोज आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं लेकिन वहाँ पर कट्स वगैरह भी हैं या फिर वहाँ पर वाउंड है कोई, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ मत करिएगा। इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जो इसमें स्टेरॉइड यूज़ किया गया है वो स्किन के लिए, अगर हम एक लंबे ड्यूरेशन तक इसको यूज़ करते हैं तो वो हानिकारक हो सकता है फेस के लिए। तो आप जब आपकी ठीक होने लगे झाइयाँ, जब तक रिजल्ट नहीं दिख रहा है तब तक यूज़ करते रहिए, उसके बाद इसको ज़्यादा दिनों तक यूज़ ना करें। इलोकॉन क्रीम मुझे बहुत ही अच्छी क्रीम लगी झाइयों के लिए, तो स्पेशली मैं सबको ये बोलूँगा कि अगर आपकी झाइयाँ हैं और आप जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करना चाहते हैं और इफ़ेक्टिवली उसको आप अपने फेस को क्लियर होते हुए देखना चाहते हैं, तो मेरे कहने पे आप इसको यूज़ करिए और आप खुद मुझसे शेयर करिए कि आपको कितना असर हुआ है आपके फेस पर और कितना नहीं। तो आप देर मत करिए, अगर आपको झाइयाँ हैं तो इलोकॉन क्रीम बिल्कुल आपके लिए ही है और जाकर इसको यूज़ करिए, मार्केट से लीजिए और इसको यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये रिव्यू मेरा इलोकॉन क्रीम का, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, आप बता सकते हो। उसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी उस पर दिया हुआ है। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू भी कराना है तो आप मुझे वो मेल करके बता सकते हो, मैं उसका रिव्यू करूँगा खुद यूज़ करने के बाद। तो गाइज, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियोज़ देखते रहिए। Bye-bye.